मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस असाइनमेंट 4.3। इन दिस वीडियो वी स्टार्ट न्यू असाइनमेंट मीन्स न्यू एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस इज द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द माइनस नेगेटिव इंटीजर इज, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट का कौन सा साइन आता है? द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का साइन कौन सा आएगा वो हमें बताना है। तो हम बात जानते हैं कि जब दो माइनस के नंबर होते हैं और उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। मतलब इवन टाइम अगर माइनस आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब टू टाइम माइनस है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव सिंबल रहेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ माइनस नाइन इंटू माइनस टू प्लस माइनस नाइन इंटू फोर इज। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइनस नाइन और माइनस टू का इंटू करेंगे तो प्लस 18 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस नाइन और फोर का करेंगे तो माइनस 36 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उसके बाद प्लस माइनस करके हम आंसर निकाल लेंगे। एक तरीका तो वो होता है, दूसरा तरीका प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, तो हम प्रॉपर्टी वाला तरीका बताते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई और प्लस माइनस वाला तरीका तो जानते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर को, तो माइनस नाइन और माइनस टू प्लस माइनस नाइन मल्टीप्लाई फोर, तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो प्लस के दोनों तरफ माइनस नाइन है, तो माइनस नाइन को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में ये माइनस नाइन तो कॉमन आ गया क्योंकि ये इधर भी था और प्लस के उधर भी था। अब यहाँ पे माइनस टू जो था वो ब्रैकेट के अंदर बचा, प्लस माइनस नाइन बाहर आ गया था तो क्या बचा, फोर, तो फोर ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब माइनस नाइन ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, एक माइनस का और एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस करेंगे तो फोर में से टू गया तो टू, और ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस के टू आएंगे, तो माइनस नाइन का टू में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, क्योंकि एक जगह माइनस होता है तो माइनस का 18 आएगा। तो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा सेकंड एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ माइनस थ्री पावर फोर मल्टीप्लाई माइनस वन क्यूब मल्टीप्लाई माइनस फाइव स्क्वायर इज। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करें, इनका मल्टीप्लाई करें तो कौन सा आंसर आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं, माइनस थ्री की पावर फोर है मल्टीप्लाई माइनस वन क्यूब मल्टीप्लाई माइनस फाइव स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस थ्री को फोर टाइम राइट करेंगे तो फोर टाइम माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस वन को थ्री टाइम लिखना है तो माइनस वन को थ्री टाइम लिखा, माइनस फाइव को टू टाइम लिखें क्योंकि पावर टू है तो टू टाइम लिखें। तो जितनी पावर होती है उतने टाइम बेस को लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री में माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर माइनस थ्री में माइनस थ्री का पेयर बनाएंगे, माइनस वन में माइनस वन का बनाएंगे, माइनस वन से फाइव माइनस फाइव का बनाएंगे और माइनस फाइव अकेला रहेगा। अब एक बात हम जानते हैं, जब दोनों माइनस के होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो माइनस थ्री में माइनस थ्री का इंटू हुआ तो प्लस नाइन आएगा, क्योंकि हमारे पास जो रूल हैं मल्टीप्लाई के उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अगर दोनों का सेम सिंबल होता है, दोनों अगर माइनस के हैं तो आंसर प्लस में, और दोनों ही अगर प्लस के हैं तो भी आंसर प्लस में, लेकिन अगर दोनों में से एक भी अगर माइनस का है और एक प्लस का है तो आंसर माइनस में आता है। तो ये मल्टीप्लाई का रूल है, अगर दोनों के सेम सिंबल है तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों के अगर अपोजिट सिंबल है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस थ्री से माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो दोनों माइनस के हैं, सेम सिंबल है तो आंसर प्लस में आया तो नाइन आ गया, फिर यहाँ पर वापस दोनों माइनस के हैं तो आंसर प्लस में आया नाइन आ गया, यहाँ पर भी दोनों माइनस के हैं माइनस वन में माइनस वन का इंटू हुआ तो माइनस वन आ गया, प्लस वन आ गया क्योंकि माइनस के दोनों से तो प्लस का आंसर आया, माइनस वन में माइनस फाइव का इंटू किया तो प्लस का फाइव आ गया और माइनस फाइव बचा हुआ है सिंगल। इसके बाद वापस से पेयर बनाया तो नाइन में नाइन का इंटू करेंगे, वन में फाइव का करेंगे और माइनस फाइव अकेला रहेगा। नाइन नाइन 81 इंटू वन का फाइव में तो फाइव इंटू माइनस फाइव। अब हम पेयर कैसे भी बना सकते, तो हमने लास्ट से पेयर बना दिया फाइव इंटू माइनस फाइव। तो देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि एक बार माइनस है अपोजिट सिंबल के होगा ये दोनों, एक प्लस और एक माइनस वाला है,
फाइव में फाइव का तो 25, तो माइनस 25 इंटू 81, 81 और माइनस 25 में भी एक एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। और 25 का जब 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2025 आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा थर्ड एमसीक्यू था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, तो थ्री क्वेश्चन है, थ्री में से टू कर लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालना है तो 5 × −4 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। 5 × −4 में करेंगे तो 5 × 4 में हुआ तो 20, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो हमने बताया था कि जब एक ही बार माइनस हो और अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो ये मान लो अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई हो रहा है या एक बार माइनस है, तो माइनस में आंसर आया, तो −20 हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड आप लोग कर लीजिएगा, −4 × 5 × −6। फिर पेयर बनाया, फर्स्ट टू नंबर का पेयर बनाया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम, तो −4 का 5 से, तो 4 का 5 से 20, और एक जगह माइनस है, इन दोनों की अगर बात करें तो −20 आंसर, मल्टीप्लाई −6 ऐसा ही लिखेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का जब 20 में करेंगे तो 120, और दोनों माइनस के हैं तो सेम सिंबल हो गए, दोनों माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो 120 प्लस का आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है और मल्टीप्लाई करना है इनका, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो प्रोडक्ट में आएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी रिमेनिंग थर्ड और फोर्थ आप लोगों को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा −6 × 2 − −7। तो यहाँ पर पहले हम पेयर बना रहे हैं, पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो −6 और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि एक नंबर माइनस का है, क्योंकि हमने जो पेयर बनाया है उसमें एक नंबर माइनस का है, तो −12 मल्टीप्लाई −7 के साथ। अब −7 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, और दोनों माइनस के हैं, सेम सिंबल हो गए, तो प्लस का आंसर आया। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, 3 × 4 − −9। तो 3 और 4 का पेयर बनाया तो 3, 4, 12 दोनों प्लस के हैं, तो आंसर प्लस में ही आया। इसके बाद −9 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 108, और 108 माइनस का है क्योंकि एक जगह माइनस है या अपोजिट सिंबल है, तो माइनस का आंसर आना चाहिए, तो ये हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर्थ है सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 8 सारी बहुत सिंपल है। ये 8th वाला और 5th वाला क्वेश्चन सेम है, तो हम ये 5th वाला क्वेश्चन करें तो उसमें आप 8th वाला समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है, तो हम उन रिमेनिंग में से भी 3rd वाला कर रहे हैं, −7³, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 3rd वाला क्वेश्चन करते हैं, तो 3rd वाला क्वेश्चन करेंगे हम −7³, ठीक है। तो −7³ में हम इसको 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। इसके बाद दोनों का पेयर बनाया तो −7 × −7 = 49 प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, एक −7 बचा हुआ है, तो 49 में जब 7 का इंटू करें तो 343 आएगा। अब 49 तो प्लस का है, माइनस का ये 7 है, तो माइनस का 7 एक जगह है एक जगह माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। −7 की पावर 4 −2 की पावर 3 − −6 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है बच्चों। −7 की पावर 4 है, तो −7 को 4 टाइम हम राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद −2 की पावर 3 है, तो −2 को 3 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई −6 की पावर 1 है, तो 1 टाइम लिखेंगे। अब पेयर बना लिए, किसका किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो −7 से −7 का, −7 से −7, −2 से −2, और −2 का −6 से, सारे ही माइनस माइनस के हैं, तो दोनों का माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस का आंसर आएगा। तो 7 में 7 = 49, नेक्स्ट में भी 7 में 7 = 49, और प्लस का आंसर दोनों माइनस के हैं, −2 से −2 का प्लस का 4 आएगा, दोनों माइनस के हैं, और −2 से −6 का तो 12 प्लस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के। अब यहाँ पर पेयर बनाया तो 49 से 49 का बना लिया, 4 से 12 का बनाया, 49 में 49 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2401 आंसर आया, और 4 का 12 से हुआ तो 48 आया। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया
वो प्लस के थे तो आंसर प्लस में ही आना है, और ये दोनों भी प्लस के हैं तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो प्लस का आंसर आया 115248, मतलब 115248। तो इस तरह से आपको सारे रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। और थैंक यू वेरी मच।